वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने 1 नवंबर से शुरू हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश कुमार सिंह सहित SDM और तहसीलदार मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 1 नवंबर से शुरू हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की और कहा कि सभी मतदान बूथों पर BLO की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए जिससे अधिक लोग मतदाता बन सके। 2-3 बिंदु जो इस वक्त कमीशन की प्रायोरिटीज हैं और हम लोग के बीच इसकी मॉनिटरिंग डेली चल रही है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जितने नए बूथ बन गए हैं उतने BLO रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। पहला कारण यह है कि पढ़ाई थी वो CDAC द्वारा सिंक नहीं किया गया है, जिस कारण अभी भी हमारे पास में लगभग 6,000 बूथों पे गैप आ रहा है, प्रूव हुई है। कल शाम को भी एक उन्होंने हो जाए मैपिंग से तात्पर्य है BLO के नाम के हमारे प्रदेश में अब से 1 घंटा पहले, और ये हर सेकंड ये संख्या इंप्रूव हो रही है। कल की VC के बाद में ये अनुरोध है कि सारे ERO इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि उनके की विधानसभा में जितने भी बूथ हैं हर जगह में एक BLO की मैपिंग हो। ये पहला टास्क है ऐप में लॉग इन। जब हमारा BLO की मैपिंग हमारे बूथ के साथ हो जाएगी पोलिंग स्टेशन के साथ में, तभी उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कोई BLO गरुड़ ऐप में लॉग इन कर पाएगा। उसमें भी चल रहा है कि जितने हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उतने नंबर ऑफ यूजर्स अभी हमारे नहीं बन पाए हैं। उनके भी वही दो कारण हो सकते हैं, या तो कुछ यूजर पहले बनने से रह गए होंगे, या जो 29 और 30 तारीख का डेटा हमारा सीट नहीं हो पाया उसमें मिस हो गया है।